आपके पास लिस्ट है, हम सारी सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारेंगे। आप जैसे जानते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कितनी भीड़ और कितना जोश था लोगों में, उसे महसूस होता है कि हाँ हमारे यहाँ पे प्रत्याशी बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के देंगे। जी आकाश जी, बीजेपी दावा ये कर रही है कि हमने हर चीज मुफ्त में दिया, अब वोट भी मुफ्त में चाहिए। वो मुफ्त में ही मिलता है, बट उसके लिए कहा मुफ्त में सब कुछ दे दिया, इसलिए वोट सारा हम ही को चाहिए क्योंकि हमने राशन दे दिया पर रोजगार नहीं दिया। वो तो आप बोल रहे हैं रोजगार नहीं दिया, अगर आप भी बोल रहे हैं रोजगार नहीं दिया है तो क्या जो रोजगार सरकार नहीं दे पाती उसको वोट मांगने का हक है? मुझे नहीं लगता कि उस पार्टी को कोई हक है वोट मांगने का। 400 पार का लगातार नारा दिया जा रहा है, भयमुक्त समाज की बातें की जा रही हैं, बुलडोजर की सरकार की बातें की गई सरकार में। जी 400 पार का नारा, वो अगर चाहे तो 800 भी बोल दें, 1000 बोल दें, मोदी जी हैं, भाजपा सरकार है, कुछ भी बोल सकती है। इंडिया और इंडिया का कल दूसरे फेज का चुनाव है, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? ये तो आप भी देख रहे हैं कि कितना जोश है लोगों में, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छे से वोटिंग होगी इस बारी और मैं पूरी उम्मीद है हमारे सारे प्रत्याशी बहुत अच्छा रिजल्ट। इंडिया और इंडिया की लड़ाई में कहां अपने आप को पाते हैं? गुरुदेव गुरुदेव ऐसे चिल्लाएगा तो मैं बाहर जाऊंगा क्या? आराम से पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पूछ ले। आप लोगों के ऊपर एक आरोप ये भी है कि जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि बहन जी गायब थी लेकिन अब चुनाव आते ही अब आपको यहाँ कोऑर्डिनेटर में उतार दी है, तो क्या? देखिए बहन जी कभी गायब नहीं थी, बहन जी ने हर उस मुद्दे पे अपना बयान दिया, अपने लोगों को जमीन पे उतार के रखा और लोगों को बीच में भेजा जब जब समाज को जरूरत पड़ी है। हमारे लोग पिछले 2.5-3 साल से गांव चलो अभियान के दौरान यहाँ पूरे देश में ही अपने गांवों में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आकाश जी आपके ऊपर एक आरोप ये भी है कि आप बीजेपी के बीच के तौर पे काम कर रहे हैं, जो विपक्ष ऐसा कह रहा है, जो कैंडिडेट ज्यादातर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है ऐसा विपक्ष बोल रहा है। देखिए विपक्ष तो बोलेगा ही, अब उसको खुद अपनी जमानत बचाने में दिक्कत आ रही है तो वो तो ऐसे ही सरकार में ईडी के खौफ के। देखिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ये सारे डिपार्टमेंट जब जब सत्ता में सरकार रही है, जो भी सरकार रही है उसने इसका इस्तेमाल किया है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की रही हो। क्या अगर एनडीओ को पूर्ण बहुमत सरकार में अगर कुछ कमी रहती है तो क्या उसमें बीएसपी उनको सपोर्ट करेगी? पोस्ट अलायंस का जो स्ट्रेटजी है वो बहन जी अब डिसाइड करेंगे। हिंदू मुसलमान की लगातार बांटा जा रहा है। देखिए भारत भारत में बराबर का समान देने का बात किया गया है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हर कोई आप बनारस में आई है, आकाश मेहनत कर रहे हैं, ये आईडी ऊपर करो यार, ये आईडी नहीं है, बहुत अच्छा है और भाई संख्या सुंदर आई है और तार ऊपर करो मेरे भाई। अच्छा अच्छा क्या शीदर है, सब लोग मनी साड़ी दिखाओ, सब लोग जीतेंगे और जौनपुर तो डेफिनेटली 100% जीतेंगे। जौनपुर में कृपा शंकर सिंह भी हैं, इसके अलावा आप भी हैं और समाजवादी पार्टी में रहता है, ठीक है अभी नहीं है, क्या लगता है जौनपुर में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? जौनपुर में बीएसपी जीतेंगे, अच्छा वोटों से जीतेंगे। आपके समाज के लोगों की भी सहानुभूति आपके साथ है ऐसा लग रहा है? सिर्फ एक समाज की नहीं है क्योंकि हमारा परिवार और हमारा पति और हम जात और कास्ट ये सब उठकर हम लोग धर्म उठकर हम लोग ऊपर कर ले भाई, एयरफोन आ रहा है, जो भी रिजल्ट से आप देखेंगे जून को। आज आज सुनवाई भी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिस तरीके से धर्मेंद्र सिंह को सजा हुआ था उसको किस तरीके से देखती है और आपकी सुनवाई में क्या इसको आज रिजर्व ने किया है जज साहब ने, पर जरूर शायद कल या परसों उसका जो भी है फैसला। 2009 के बाद से अभी तक कोई इसी कोई सफलता नहीं मिल पाई है धनंजय सिंह को, तो इस बार आप भी चुनावी रण में हैं, यहाँ पे क्या मानना है? जरूर जीतेंगे इस चुनाव जी। मैम उनका नाम कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि उनका नाम लॉरेंस बिश्नोई से भी जोड़ा जा रहा है, तो इसको नहीं आई डोंट नो, आई थिंक अभय सिंह ने भी समाजवादी पार्टी में होते हुए बीजेपी को वोटिंग किया था, उनके पिताजी और उनकी पत्नी जो है बीजेपी में ज्वाइनिंग की है, तो क्या इसमें जो गवाही जो चल रही थी नदेसर जो कांड हुआ था जो अभय सिंह के मुख्य आरोपी थे, क्या वो भी प्रभावित हुआ? जुडिशरी का है, आई एम सॉरी आई कांट आंसर दैट क्वेश्चन।
कृपा शंकर सिंह चुनाव में है, आप भी हैं, बिरादरी राजपूत दोनों हैं, तो किधर राजपूत दिख रहा है? राजपूत जो लोग जमीन पर रहते हैं, जो लोग अवेलेबल रहते हैं और जो लोग इतने 30 साल से काम किए हैं, वो है धनंजय सिंह जी। तो ज़रूर हमको सब वर्गों से आशीर्वाद मिलेंगे और अच्छा माध्यम से, वोट माध्यम से हम लोग जीतेंगे।